हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर शिल्पी शर्मा, योर लाइफस्टाइल कोच एंड हीलिंग एक्सपर्ट। वेलकम टू माय चैनल होलिस्टिक हीलिंग। प्रीवियस वीडियो में आपने पित्त प्रकृति की फिजिकल और मेंटल क्वालिटीज़ के बारे में जाना था। अगर आप नहीं जानते कि आपकी प्रकृति क्या है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक नो योर दोषा को क्लिक करके आप अपनी प्रकृति पता कर सकते हैं। इस वीडियो में हम पित्त प्रकृति की डाइट के बारे में बात करेंगे। पित्त प्रकृति लोग वो लोग होते हैं जिनमें वात पित्त और कफ तीनों की क्वालिटीज़ होती हैं, बट पित्त की क्वालिटी बाकी दोनों से ज़्यादा होती है। पित्त दोष वाटर और फायर, इन दो एलिमेंट से मिलकर बना है, इसलिए पित्त प्रकृति लोगों में वाटर और फायर इन दो एलिमेंट्स की क्वालिटीज़ देखने को मिलेगी। पित्त दोष की मेन क्वालिटीज़ हैं हॉट, लिक्विड, लाइट एंड शार्प। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग लाइक इंक्रीज लाइक, इसका मतलब है कि जिस फूड में पित्त की क्वालिटीज़ मिलती हैं वो फूड पित्त को इंक्रीज़ करते हैं, और जिन फूड्स में पित्त की ऑपोजिट क्वालिटीज़ होती हैं जैसे कि कूल, डेंस, ड्राई एंड माइल्ड, वो फूड पित्त को डिक्रीज़ करते हैं, यानी उनको बैलेंस करते हैं। समर सीज़न में और यंग एज में हम सभी में पित्त इंक्रीज़ होता है, क्योंकि वो पित्त का टाइम होता है। आइए जानते हैं किस फूड को खाने से हम पित्त को बैलेंस कर सकते हैं और हमें किस फूड को अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि हम सबसे पहले पित्त की हॉट क्वालिटी को लेते हैं। पित्त की हॉट, शार्प और लाइट क्वालिटी की वजह से पित्त प्रकृति को ऐसा फूड चाहिए जो कि टेम्परेचर में भी कूल हो और एनर्जी में भी कूल हो। पित्त प्रकृति के लिए वेजिटेरियन डाइट सबसे बेस्ट है, क्योंकि नॉनवेज फूड खाने से बॉडी में हीट जनरेट होती है और पित्त और ज़्यादा इन्हांस हो जाता है, और वेजिटेरियन फूड जो है वो पित्त को शांत करता है। इसमें भी जो एल्कलाइन फूड है वो पित्त के लिए ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि पित्त एसिड क्रिएट करता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको एल्कलाइन फूड चाहिए होता है। एल्कलाइन फूड में मेनली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आती हैं, जैसे कि मिंट, कोरिएंडर, केल, लेट्यूस, ब्रोकली, ये सब एल्कलाइन फूड है। इसे लेने से पित्त बैलेंस होता है, और रॉ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स जैसे कि जकाइनी, स्क्वैशेस, कुकुम्बर, बिटर गॉर्ड, बॉटल गॉर्ड, एश गॉर्ड, इस तरह की वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो कि स्वीट और राइप हो, जैसे कि मैंगोज, एप्पल, पियर, खासकर एक बेल फ्रूट होता है जिसे हम बिल कहते हैं, वो पित्त प्रकृति के लिए बहुत अच्छा है। वो पित्त को एकदम, ऐश गॉर्ड और बिल, ये दो फ्रूट हैं जो कि पित्त को शांत करते हैं और पित्त के लिए बहुत अच्छे हैं। जब भी आपको एसिडिटी हो रही है या डायरिया हो रहा है तो ये फ्रूट बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा अगर हम फैट की बात करें तो घी, जिसे कि क्लैरिफाइड बटर कहते हैं, और बटर जो कि घर में बना हुआ बटर है, जो मार्केट का बटर है वो नहीं, मैं घर के बने हुए बटर की बात कर रही हूँ जो अनसॉल्टेड होता है, इसमें हम काउज घी की बात कर रहे हैं, वो पित्त प्रकृति के लिए सबसे बेस्ट है। ये पित्त को शांत भी करता है, वात और पित्त दोनों को शांत करता है। इसके अलावा ये आपको सेटिएटेड फील कराता है। अगर हम ऑयल की बात करें तो कोकोनट ऑयल एंड ऑलिव ऑयल, ये दोनों ही पित्त प्रकृति के लिए बेस्ट हैं। आप इसको इंटरनली भी यूज़ कर सकते हैं और एक्सटर्नली मसाज करने के लिए भी कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा है। इवन कोकोनट के सारे प्रोडक्ट्स, कोकोनट एज अ फ्रूट बहुत अच्छा है, कोकोनट ऑयल अच्छा है, कोकोनट वाटर बहुत अच्छा है। आप कोकोनट की चटनी बना सकते हैं, उसको रॉ फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, हर तरह से ये पित्त को शांत करता है। पर आपको ध्यान रखना है कि कोकोनट ऑयल आप कम क्वांटिटी में यूज़ करिए, क्योंकि ये बहुत ही हैवी होता है और बहुत टाइम लेता है डाइजेस्ट करने में, तो आपको मॉडरेट अमाउंट में इसको यूज़ करना है। अगर हम स्पाइसेस की बात करें तो स्पाइसेस मोस्टली हॉट क्वालिटी की होती हैं, तो हम मॉडरेट अमाउंट में स्पाइसेस को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप कोरिएंडर सीड यूज़ कर सकते हो, फेनल यूज़ कर सकते हो, आप कार्डेमम यूज़ कर सकते हो, इसके अलावा आप सैफ्रॉन यूज़ कर सकते हो। सभी को आपने मॉडरेट क्वांटिटी में यूज़ करना है, लेकिन टर्मरिक, ब्लैक पेपर, इन सबको, सिनेमॉन, इसको आपने कम क्वांटिटी में यूज़ करना है। ये सभी जो है पित्त को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। अगर हम टेस्ट की बात करें तो स्वीट, बिटर और एस्ट्रोजन टेस्ट जो है वो पित्त प्रकृति के लिए बहुत अच्छा है। जो स्वीट टेस्ट है वो कूलिंग और हैवी क्वालिटी का होता है, और इस कारण ये आपको ग्राउंडेड रखता है, ये इसी वजह से पित्त को बैलेंस करता है। मेनली जैसे कि मिल्क जो है वो पित्त प्रकृति के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मिल्क जो है स्वीट होने के साथ साथ थोड़ा सा हैवी भी होता है। जब आपको एसिडिटी होती है तो आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे मिल्क ले सकते हैं, वो आपको
एसिडिटी में रिलीफ कराएगा। इसके अलावा आप योगर्ट, फ्रेश योगर्ट यूज़ कर सकते हैं, आप स्वीट और राइप फ्रूट्स, ये भी नेचुरली स्वीट होते हैं, ग्रेन्स मोस्टली जो हैं वो स्वीट होते हैं, तो ये सभी चीज़ें जो हैं स्वीट क्वालिटी को एनहांस करती हैं। और स्वीट क्वालिटी की वजह से आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन जो है वो सबसाइड कर जाती है, थर्स्ट और हंगर को कंट्रोल करता है, बॉडी को स्ट्रेंथन करता है, आपको सेटिएटेड फील कराता है, तो स्वीट टेस्ट जो है वो पित्त को बैलेंस करने के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो बिटर टेस्ट है वो कूलिंग और ड्राइनेस कॉज करता है, जिसकी वजह से पित्त बैलेंस होता है, ब्लड को प्यूरीफाई करता है, जैसे कि बिटर गॉर्ड, नीम, डार्क चॉकलेट और इन वेजिटेबल्स लाइक डेंडलियॉन, केल, स्पाइसेस लाइक टर्मरिक, क्यूमिन, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बिटर क्वालिटी की होती हैं और वो पित्त को बैलेंस करने का काम करती हैं। इसके अलावा एस्ट्रिंजेंट टेस्ट जो कि मुंह में ड्राइनेस कॉज करता है, जैसे कि ग्रीन बनाना, इसके अलावा चिकपीज, बॉम ग्रेनेट, किडनी बीन्स, सोयाबीन, ये इस तरह की चीज़ें हैं जो कि मुंह में ड्राइनेस कॉज करती है, इसी वजह से ये जो है पित्त को बैलेंस करता है, ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर में हेल्प करता है। इसके अलावा जो एक्सेस स्वेट है उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो स्वीट, बिटर और एस्ट्रिंजेंट, ये तीनों ही टेस्ट पित्त को बैलेंस करते हैं। अब हमें अवॉइड क्या करना है, सबसे पहले टेस्ट में अगर हम देखें तो हमें सोर, सॉल्टी और पंजेंट टेस्ट हमने अवॉइड करने हैं। इसके अलावा हॉट, स्पाइसी, ऑयली, जैसे कि डीप फ्राइड फूड है, इन सब को हमने अवॉइड करना है, क्योंकि ये सब हमारी बॉडी में हीट जनरेट करते हैं जो कि पित्त को एनहांस करने में हेल्प करती है। ऑल दो पित्त प्रकृति लोगों की डाइजेशन अच्छी होती है, वो हर चीज़ को डाइजेस्ट कर लेते हैं, बट ऑयली फूड की वजह से उनकी पित्त और ज़्यादा एनहांस हो जाती है, तो हमें हॉट, स्पाइसी और ऑयली फूड को अवॉइड करना है। इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड, प्रिजर्वेटिव्स, कैन फूड, रेडीमेड फूड, केमिकल्स, एंटीबायोटिक्स, इन सब के लिए पित्त बहुत सेंसिटिव होता है, तो पित्त प्रकृति लोगों में इन सब चीज़ों से एसिडिटी और हार्ट बर्न शुरू हो जाता है, तो ये सब चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। वैसे भी इनमें प्राण एनर्जी नहीं होती है, ये नॉन लिविंग फूड है, तो इस फूड को हमने अवॉइड करना है। इसके अलावा हमें अल्कोहल बेस्ड बेवरेजेस उनको अवॉइड करना है, कोल्ड ड्रिंक्स, कैफिनेटेड ड्रिंक्स, स्मोकिंग, ये सब पित्त को एनहांस करती हैं। अल्कोहल की जगह आप बियर ले सकते हैं, और आप अदरवाइज आप कूलिंग ड्रिंक यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि लेमन मिंट वाटर यूज़ कर सकते हैं, आप कोकोनट वाटर यूज़ कर सकते हैं, रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं, रोज़ तो वैसे ही बहुत अच्छा है पित्त प्रकृति लोगों के लिए, आप गुलकंद यूज़ कर सकते हैं, रोज़ जैम यूज़ कर सकते हैं, रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप लस्सी, मैंगो लस्सी जो है वो पित्त प्रकृति के लिए बहुत अच्छी है, आप नॉर्मल लस्सी भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप उसमें मीठा डाल के यूज़ करेंगे तो पित्त को प्रॉपर वे में बैलेंस करेगा, क्योंकि स्वीट टेस्ट होने की वजह से वो पित्त को बैलेंस करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा आपने ओवर ईटिंग अवॉइड करनी है, आपने बार बार खाना अवॉइड करना है, जैसे कि आपने एक मील लिया, थोड़ी देर बाद भूख, फिर आपने दोबारा मील ले लिया, फिर भूख लगी, फिर मील ले लिया, इसमें होता क्या है कि पहला फूड डाइजेस्ट नहीं होता, हम दूसरा फूड ले लेते हैं, तो वो अनडाइजेस्टेड फूड की वजह से बॉडी में टॉक्सिन्स पैदा हो जाते हैं, वो टॉक्सिन्स जो हैं वो आम में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन, बॉडी एक्स, इस तरह की चीज़ें पैदा करते हैं। तो आपने ओवर ईटिंग भी अवॉइड करनी है और बार बार खाना भी अवॉइड करना है। आपने प्रॉपर 3 स्क्वेयर मील्स लेने हैं, उसमें प्रॉपर गैप होना चाहिए और बीच में आप अपने फूड को डाइजेस्ट होने के लिए कम से कम 4 से 5 घंटे दीजिए। आइए जानते हैं पित्त प्रकृति लोगों को डेली रूटीन में कैसी डाइट लेनी चाहिए। जैसे कि हम मॉर्निंग आवर्स की बात करें तो हमें स्टिमुलेंट जो टी, कॉफ़ी है, ये अवॉइड करनी है, क्योंकि ये पित्त को और ज़्यादा एनहांस करेगी, एसिडिटी हो जाएगी। हमने इसको रिप्लेस करना है, जैसे कि आप डिटॉक्स ड्रिंक ले सकते हैं, जिसमें कि आप जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि आप मिंट, कोरिएंडर, आप बीट रूट की लीव्स हैं वो आप ले सकते हैं, इसके अलावा स्पिनच ले सकते हैं, इन सबको, और इसके साथ आप फ्रूट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आपने एप्पल ऐड कर दिया, इसका एक डिटॉक्स ड्रिंक बना के आप मॉर्निंग आवर्स में ले सकते हैं, क्योंकि जो पित्त की साइट है वो लीवर और गाल ब्लैडर है। मोस्टली आप देखेंगे कि पित्त प्रकृति लोगों का जो लीवर है वो फैटी होता है,
तो इस केसेस में जो डिटॉक्स ड्रिंक है वो लिवर और गाल ब्लैडर को क्लियर करता है, उसको डिटॉक्स करता है, पित्त की एनर्जीज को शांत करता है। तो डिटॉक्स ड्रिंक बहुत अच्छा ऑप्शन है मॉर्निंग आवर्स में एम्प्टी स्टमक लेने के लिए। इसके अलावा आप हर्बल टीज ले सकते हैं, जैसे कि मिंट टी ले सकते हैं, लिकोराइस टी ले सकते हैं, आप लेमन टी ले सकते हैं। तो हर्बल टीज़ जो हैं वो बहुत अच्छी ऑप्शन है पित्त प्रकृति के लिए। इसके अलावा आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं, वेजिटेबल जूसेस ले सकते हैं, जिसमें कि एश गॉर्ड जूस सबसे बेस्ट है। एश गॉर्ड जूस जो है वो कूलिंग होता है उसका इफेक्ट, तो वो माइंड को भी शांत रखता है और बॉडी को भी शांत रखता है और आपको एनर्जेटिक रखता है उसके साथ। तो आप बॉटल गॉर्ड जूस ले सकते हैं, एश गॉर्ड जूस ले सकते हैं। इसके अलावा आप आंवला जूस ले सकते हैं, वीट ग्रास जूस ले सकते हैं। आंवला भी पित्त प्रकृति के लिए बहुत अच्छा है, तो आंवले को आप किसी भी फॉर्म में कंज्यूम कर सकते हैं। आप रॉ फॉर्म में कंज्यूम कर सकते हैं, आप उसकी चटनी बना के ले सकते हैं, आप उसका जूस ले सकते हैं। वीट ग्रास जूस भी पित्त प्रकृति को बैलेंस करने के लिए बहुत अच्छा है। आप अपने डिटॉक्स ड्रिंक में वीट ग्रास पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, ये बॉडी को डिटॉक्स भी करेंगे और पित्त को बैलेंस भी करेंगे। इसके अलावा आप मॉर्निंग मील में फ्रूट्स को भी ले सकते हैं, स्वीट और राइप फ्रूट आपने चूज़ करने हैं, सोर और अनराइप फ्रूट आपने चूज़ नहीं करने हैं। इसके अलावा लंच की अगर हम बात करें तो वो मेन पित्त का टाइम होता है, तो लंच जो है मेन मील है पित्त प्रकृति के लिए, तो वो एक अच्छा मील होना चाहिए। उसमें आपने सैलड भी ऐड करना है, आपने लस्सी या दही में से कोई भी चीज़ आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो आप प्रॉपर लंच आपने स्किप नहीं करना। वैसे तो पित्त प्रकृति लोगों के लिए कोई भी मील स्किप नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो भूख बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको पहले मील को प्लान करके रखना पड़ेगा। अगर आपका मील प्री प्लान होगा तो आप पित्त प्रकृति के हंगर को एंगर में कन्वर्ट होने से बचा सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ जो स्नैक्स हैं वो हैंडी रखिए, ताकि अगर मील प्रिपेयर नहीं है या उन्हें बहुत भूख लगी है तो वो उसमें वो चीज़ ले सकते हैं। जैसे कि आप आंवला कैंडी ले सकते हैं, आप सैलड ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, डेट्स ले सकते हैं, या आप कोकोनट ले सकते हैं। रॉ फॉर्म में भी कोकोनट फ्रूट को ले सकते हैं आप। तो इस तरह की चीज़ें आप स्नैक्स की फॉर्म में ले सकते हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पीसफुल एनवायरनमेंट, क्योंकि पित्त प्रकृति लोगों में हीट बहुत ज़्यादा होती है और बहुत एंगर रहता है इनमें, तो इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि इनका एनवायरनमेंट जो है वो पीसफुल हो। तो अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, पीसफुल एनवायरनमेंट में रहते हैं और जो मैंने डाइट बताई है, डूज एंड डोंट्स बताए हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो आप पित्त को बैलेंस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।